इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिजिटल मीटर जो चले प्रीपेड वाले उनमें रिचार्ज कैसे करते हैं। तो इसका रिचार्ज आप किसको से खरीद सकते हैं जो कि आपको मेल पे इस तरीके से मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे इसका जो नंबर है ये वाला वो आपको इस पे एंटर करना है। तो कैसे एंटर करते हैं, मतलब कि एक तरीके से जैसे हम लोग मोबाइल में रिचार्ज करते हैं और मोबाइल का बैलेंस जब तक चलता तब तक हम बात करते हैं, उसी तरीके से लाइट का जो मीटर है उसमें क्या है कि जब तक आपका बैलेंस रहेगा तभी तक इस आपके घर पे लाइट आएगी, जैसे ही बैलेंस खत्म होगा तो वो लाइट कट जाएगी। ओके, तो पहले हम चेक करते हैं उसका कितना है। तो यहाँ पे एक डिस्टिलरी जो है अलग से एक डिवाइस मिली हुई है, ठीक है। ओके, अगर ये आपके कभी अगर खराब हो जाता है, काम नहीं करता है, तो ये देखो इसकी केबल से जुड़ी है। तो आप एक ये पेज खोल के इसके अंदर जो बटने दी गई है उनसे भी आप मतलब की रिचार्ज कर सकते हो। तो पहले हम चेक करेंगे इसमें बैलेंस। तो बैलेंस कैसे चेक करेंगे, मेरे पास कितना बैलेंस है। तो यहाँ हम एक नंबर वाली बटन दबाएंगे तो हमें पता चलेगा कितना बैलेंस है। तो हमारा बैलेंस 164.06 रुपए है, 0.6 पैसे। ओके, अब हमें इसे करना है रिचार्ज। कैसे करेंगे रिचार्ज, तो पहले हम अपना रिचार्ज कार्ड निकाल लेते हैं। तो हमें रिचार्ज करना है, ये हमारा रिचार्ज कार्ड इस पे रखा हुआ है ये। तो अब हम क्या करेंगे रिचार्ज करने के लिए, सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, बटन वाली दबाएंगे स्टार्ट। दबा दी, यहाँ पे लिखा एंटर टिकन। ओके, टिकट नंबर इसका मतलब होता है, टिकट नंबर हम यहाँ पे एंटर करते हैं 2 0 5 6 3 5 3 5 0 4 6 7 3 2 9 0 0 4 6 6। सारे जो नंबर हमने वो इस पर डाल दिए, इसके बाद हमें क्या करना है सबमिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्या लिखा एक्सेप्टेड, और देखो यहाँ पे लिखा कैश एडेड 1000 रुपए, यानी कि जो रिचार्ज मैंने किया है तो 1000 रुपए का इसके अंदर रिचार्ज कार्ड जो है हो चुका है। और यहाँ पर भी देखो लिखा है कैश कितना 1000 रुपए का, ठीक है। तो अब हम इसका बैलेंस चेक करेंगे, इसके अंदर कितना बैलेंस है, तो 1164 रुपए जो है इसमें 164 रुपए जो थे वो इसमें क्या हो गए क्रेडिट हो गए जुड़ गए जाके। तो इस तरीके से डिजिटल जो ये मीटर है इसे प्रीपेड मीटर कहते हैं, इस पे आप रिचार्ज कर सकते हो और 2 साल के अंदर अंदर पूरे इंडिया में ये लगने वाले हैं।